फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अम्मी सा रेसिपी बनाने वाली हूँ, सो लेट्स बिगिन। आज हम स्पेन की बहुत ही फेमस डिजर्ट रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड मिल्क, यानी कि तला हुआ दूध। इस डिश की खास बात ये है कि इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और इसे कोई भी बना सकता है। जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें इस डिश में अंडे का यूज होता है। तो हम इस डिश को दो तरीके से बनाएंगे, एक अंडे के साथ और एक बिना अंडे का। तो हमेशा की तरह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको आज की हमारी ये फ्राइड मिल्क रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि इसी तरह के नए नए रेसिपी वीडियोस की अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट www.desiseasoning.com को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए बनाना स्टार्ट करते हैं ये स्पेनिश डिज़र्ट। सबसे पहले हम एक नींबू लेंगे और इसके ऊपर के छिलके को हमें बहुत ही पेशेंसली अलग कर लेना है, क्योंकि हम इस छिलके को दूध में डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसमें ऊपर का ही छिलका आना चाहिए, अंदर का मेम्ब्रेन, जो वाइट वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। या फिर थोड़ा बहुत भी आएगा तो चलेगा, ज़्यादा अगर आ गया तो आपका दूध को वो कड़वा कर देगा। और आपको तो पता ही होगा, अगर नींबू का अंदरूनी हिस्सा अगर दूध में जा मिला तो आपका दूध जो है फट जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से सिर्फ ऊपर के छिलके को कुछ इस तरह से हटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नींबू का वाइट मेम्ब्रेन बिल्कुल ही इंटैक्ट है। जैसा कि मैंने कहा था, छिलका में ये वाइट मेम्ब्रेन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये देखिए, हमने नींबू के छिलके का एक स्ट्रिप काट के रेडी किया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें एक नींबू का पूरा छिलके को अलग कर लेना है। यहाँ पे हमने एक पैन को गैस में चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 2 कप दूध डालेंगे और यहाँ पे हमने 1/2 कप नॉर्मल दूध लिया है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब हम दूध में ऐड करेंगे नींबू का छिलका और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दूध के फर्स्ट बॉल आने तक हमें वेट करना है। ये देखिए, दूध उबल चुका है, अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और इसके बाद हमें दूध को लो टू मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक बॉईल करना है। तब तक दूध में दालचीनी और नींबू के छिलके का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। इस बीच चलिए कुछ और काम कर लेते हैं। हमने जो 1/2 कप दूध अलग करके रखा था उसे एक बोल में डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लावर और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। दूध को हमने 10 मिनट तक उबाल लिया है। अब इसमें से दालचीनी और नींबू के छिलके को हम अलग कर लेंगे। अब हम इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके कॉर्न स्टार्च और दूध का मिक्सचर को डालेंगे और इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहेगा। अगर आप इसे एक बार में डाल के अगर इसे आप मिलाओगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और इस दूध को हमें अच्छे से बिल्कुल तले से हमें चलाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना है, वरना मिठाई का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब दूध को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में कंटिन्यूसली चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्टिकी हो जाए। दूध को हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए ही पकाना है, वरना ये नीचे से बहुत जल्दी लग जाएगा और ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है, उससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना होगा और इसे बिल्कुल भी नीचे से लगने नहीं देना है। ये देखिए, हमने दूध को अच्छी तरह से पका लिया है, ये बिल्कुल रेडी है। इसका जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरह से स्टिकी रहना चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है, इसको थोड़ा सा बटर से हमें चारों तरफ से ग्रीस कर लेना है। अब इस बॉक्स में हम गर्मा गर्म दूध के मिक्सचर को डाल देंगे। अब इसके सरफेस को जितना हद तक हो सके प्लेन कर लेंगे। अब बॉक्स को थोड़ा सा टैप कर लेंगे और इसे हमें रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इसे कवर करके फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे, तब तक ये पूरा सेट हो जाएगा। 2 घंटा तक हमने इसे फ्रीज कर लिया है, अब इसे ओपन कर लेते हैं। अब बॉक्स के साइड्स को पकड़ के कुछ इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो ये देखिएगा धीरे धीरे खुलने लगेगा। अब बॉक्स को सिंपली पलट के हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब चाकू से हमें इसे कट कर लेना है। आपको जितना भी बड़ा पीस चाहिए आप उसके हिसाब से इसे कट कर सकते हो।
यहाँ पे हमने एक अंडा लिया है, इसे हम फेंट लेंगे और साथ ही साथ हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है। यहाँ पे हमने एक क्यूब लिया है, इसे सबसे पहले मैदे से डस्ट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है जेली के जैसा, तो पहले मैदे से अच्छे से डस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा मैदा झाड़ के इसे हमें अंडे में अच्छी तरह से लपेट के तेल में बहुत ही केयरफुली छोड़ देना है। अब इसे हमें लो फ्लेम में चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम हाफ अंडे से फ्राई करेंगे और हाफ हम बिना अंडे का फ्राई करेंगे। तो मैंने टोटल 12 क्यूब्स बनाए हैं, तो उसमें से 6 मैं अंडे के साथ तल रही हूँ और 6 क्यूब्स में बिना अंडे का तलूंगी। ये देखिए, हमने शुरू में जो 4 क्यूब्स छोड़े थे वो फ्राई हो चुका है। इसे हमें बिल्कुल ऐसा ही सुनहरा होने तक फ्राई करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम रिमेनिंग 2 क्यूब्स को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम बिना अंडे का दूध को तलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में ब्रेड क्रम्स लिया हुआ है और दूसरा बोल में हम 3 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हमें गाढ़ा स्लरी प्रिपेयर कर लेना है। अब एक क्यूब लेंगे, इसे मैदे के घोल में अच्छी तरह से लपेटने के बाद इसे हमें ब्रेड क्रम्स में डाल के बहुत अच्छी तरह से हमें डस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स झाड़ के इसे सिंपली हम तेल में छोड़ देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम रिमेनिंग मिल्क क्यूब्स को इसी तरह से तेल में डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम में हमें चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना होगा। यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और दालचीनी का मिक्सचर छन्नी में डाल के फ्राइड मिल्क में स्प्रिंकल कर देंगे और जो बचा हुआ चीनी और दालचीनी का मिक्सचर है उसे आप एक एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिएगा और आप इसे चाय में डाल के भी यूज़ कर सकते हो। इससे चाय बहुत ही टेस्टी बन जाता है। मैं आपको एक क्यूब कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है। तो अब सारे मिठाई सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का स्पेनिश डिजर्ट लेचे फ्रिता, यानी कि फ्राइड मिल्क। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।